भाई ये गाड़ियां खड़ी है बाहर, 4,81,00,000 की गाड़ियां जिसपे धूल मिट्टी पड़ रही है, 4,00,00,000 रुपए धूल में। अभी चलते हैं अंदर, अंदर देखते कितनी गाड़ियां हैं। कल का व्लॉग जाके देख लो, कल के व्लॉग में मैंने खुल्ला बोला था शर्त लगा लो इंडिया मैच जीतेगी, और वही हुआ गाइज। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। स्वागत आप सबका फिर से आज के व्लॉग में। गौरव भाई आज हम क्या व्लॉग बनाएंगे, आपको कोई आइडिया है? कोई डिफरेंट ही करता है यार, मैं जो भी आइडिया लगाता हूँ हर बार फेल हो जाता है। मुझे तो गाइस पता है आज हम बनाएंगे फ्यूजन कार के पास टोटल अभी कितने करोड़ का कार कलेक्शन है। फिर तो कुछ पार्किंग में भी खड़ी हैं, कुछ थर्ड फ्लोर पे भी। अच्छा, थर्ड फ्लोर पे भी गाड़ियां आपके पास? यस यस यस। तो भाई मतलब ये तो अरबों में तो नहीं चला जाएगा मामला? नहीं, करोड़ों में ही रहेगा। करोड़ों में ही रहेगा। तो मतलब कुछ गाड़ियां देखो बाहर खड़ी है, अंदर खड़ी है और ऊपर भी खड़ी है, तो आज मजा आ जाएगा भाई देख के कि टोटल कार कितनी है फ्यूजन कार्स के पास अभी। इसके अलावा भी कहीं खड़ी करते हो? यस, हमारे पास पर मंथ 60-70 कार्स पर मंथ होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे खड़ी हो पाती है 30 गाड़ियाँ, बाकी कुछ पार्किंग खड़ी होती है, कुछ गुड़गांव पार्किंग खड़ी होती है, अलग अलग जगह हो सकती है। अब देखो इतना तो हम ट्रेवल करके नहीं काउंट करेंगे, हम अभी फिलहाल जो शोरूम के अंदर गाड़ियाँ हैं, कम से कम 25-30 गाड़ियाँ खड़ी दिखेंगी आपको, और कम से कम आपके अनुसार 15-20 करोड़ का यहीं पर स्टॉक दिख जाएगा। भाई पता करना पड़ेगा टोटल कितने करोड़ का स्टॉक है, तो वो हम पता करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि सीबीआई आई है, सीबीआई रेड मारने आया भाई। अगर मेरे को कोई गाड़ी पसंद आ गई तो फिर मैं एक रेड में एक गाड़ी लेके जाऊंगा। सब लो, वैसे 13 तारीख को अपनी डिलीवरी तो है ही, एडवेंचर आइलैंड आप सबने आना है। मेरे ख्याल से ये वीडियो पोस्ट ही बाद में होगी या हो जाएगी पहले? नहीं ये तो आएगी 12 तारीख को। ओके, एडवेंचर आइलैंड कितने बजे? शाम 4 बजे से 6 बजे, लेकिन आप सबने 4 बजे आ जाना है क्योंकि उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। भाई ये चीज मेरे को बहुत मस्त लगी कि ऐसी डिलीवरी आज तक, ये इतने एक्सपर्ट है दी आज तक ऐसी डिलीवरी, ये इतने एक्सपर्ट है। बहुत लोगों का दिमाग लगा है, हमारे आशीष भारद्वाज भैया का, हमारे रचित जी का, थोड़ा बहुत हमारा, थोड़ा बहुत रॉक ब्लास्ट वालों का, वो खुद अभी हैरान है हम लोग कि हम कर पाएंगे पता नहीं है, पर ये है कि ये डिलीवरी कितने एक्सपर्ट है, फिर भी कह रहे हैं कि और मस्त डिलीवरी करवाएंगे इस बार, तो ये खुद एक्साइटेड है, डर नहीं है, इसको एक्साइटमेंट बोलते हैं, एक्साइटमेंट कह सकते हैं, लेकिन फिर भी डर है क्योंकि बहुत लोगों ने आना है कि यार मूंछ का बाल नीचे ना हो जाए। बिल्कुल नहीं होगा भाई, बहुत लोग आएंगे और बढ़िया एप्रिसिएशन ही मिलेगा हमें। बाकी हम अपना जो टोटल कार कलेक्शन दिखाने वाला सीन है ना वो रखते हैं थोड़ी देर बाद, उससे पहले हमारा शूट निपटाते हैं हम। वैसे मैं इनके मेन चैनल में आने वाला हूँ, मैं भी एक्टिंग करना शुरू हो चुका हूँ। गौरव भाई को हमने वो कर लिया, कास्ट कर लिया अपने इसमें, गाड़ियों में कमाई कम हो गई है, मैं कहा मैं ही यूट्यूबर बन गया, यूट्यूब में एक्टिंग करेंगे गौरव भाई। सबसे पहले मेरी वो क्या कहते हैं पहली प्रमोशन फिल्म में क्या कहते हैं, फर्स्ट कास्टिंग हुई है, क्या हुई है, फर्स्ट डेब्यू, डेब्यू 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 होने जा रहा है। रचित रोजा व्लॉग नहीं, रचित रोजा मेन चैनल, यस गौरव भाई का डेब्यू करा दिया। ये इनकम डबल करने का आइडिया है भाई एक्टिंग करके। हम परेशान हो भाई, तुम सोच सकते हो, ये सोच सकते हो तुम कि एक लग्जरी कार डीलर का ओनर बोल रहा है कि हमारी कमाई नहीं है गाड़ियों से, यूट्यूब में आ रहा हूँ, तो यूट्यूब वाले कितना कमाते होंगे। ये तो सच्चा, अरे कल परसों भी मेरे पास कोई पेरेंट्स आए थे। अच्छा, कि हमारे को अपने बच्चे को यूट्यूब में लेके जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैं कहा जी अभी तक तो हमें ही नहीं पता क्या करना पड़ेगा, हाँ लेकिन कुछ दिन बाद मैं आपको किसी वीडियो में देखूंगा फिर मैं बता पाऊंगा क्या करना पड़ेगा, फिर मैं भी यूट्यूबर बन जाऊंगा। लेकिन पेरेंट्स आ रहे हैं ये जानने के लिए कि हम अपने बच्चों को यूट्यूबर कैसे बनाएं, तो वो क्यों, क्योंकि हर यूट्यूबर बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं बच्चे कि यार पापा देखो ये किस पे घूमता था आज किस पे घूम रहा है, तो क्यों नहीं बच्चे। भाई मैंने स्टार्ट बताया एटलस की साइकिल से करा था, बस देखो, और आज सुपर कार, तो ये ही फर्क है, तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल भाई जब उनका बनता है, बनता है भाई, किसी का हक है, पता है जब जनरेशन चेंज होती है ना तो उस अकॉर्डिंग काम भी चेंज करना चाहिए, प्रोफेशन भी चेंज करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक टीम है जो जिसके ऑनर का नाम आशीष है, लेकिन हम टीम बाद में बताएंगे, जो आपका इस चीज में हेल्प करेंगे, उनसे हम पहले अपना कट सेट कर लेंगे। तो भाई बंदा भेज रहा हूँ देखना। बिल्कुल कट नहीं रखेंगे भाई, बिना कट के काम करेंगे, नो कमीशन, नो कमीशन, कमीशन फ्री काम, नो कमीशन, कमीशन फ्री काम गाड़ियों का, यस कमीशन, यस कमीशन। भाई पता है क्या, गाड़ियों में कमीशन अच्छा लगता है, यूट्यूब पे कमीशन अच्छा नहीं लगता। यूट्यूब पे तो बनता है कमीशन, करोड़ों रुपए गाड़ियों में आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं करोड़ों रुपए। चलो शूट निपटाते हैं फिर दिखाता हूँ कितने करोड़ों का कार कलेक्शन है। भाई वाह, ये देखो भाई हमारे गौरव भाई
शूट खत्म करते ही आ गए पेट पूजा पे। ओ हेलो, जो जो बंदा कहता है मैं भी कहता था, साला ये सही है, फोन उठाओ यूट्यूबर बन जाओ नोट कमाओ। ओ नहीं भाई नहीं, मेरा तो पहला शूट है, मेरे पैर दर्द हो गए, मेरा स्टमक पेन हो गया, मैं तकरीबन 7 घंटे से भूखा खड़ा हुआ हूँ, अब मैं रोटी डाल रहा हूँ, मैंने शूट शूट सब रोक दिया। मैं कहा मैं तो नहीं बन रहा यूट्यूबर भाई, मुझे रोटी खाने थे, इस चक्कर में ये सारी टीम मेरे साथ रोटी खाने आ गई, नहीं तो ये तो अभी भी खड़े थे। तो मानते हो ना हमारे कंटेंट में कितनी मेहनत है। मेहनत है, मैं बहुत गलत सोचता था, मैं एक्चुअली ना मैं सिर्फ फोन सोचता था, नहीं वो व्लॉग्स हो गए, बहुत तामझाम लगता है। हाँ। इतनी लाइटें, इतने कैमरे, इतने माइक, बहुत तामझाम लगता है, लेकिन हाँ हैट्स ऑफ है यूट्यूबर्स को। नहीं मेहनत कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं मेहनत, नो डाउट। हमारा आज झांका खोल दिया तुमने मेरा कि नहीं मेहनत है, हर काम में मेहनत है, बहुत मेहनत करी है तभी आगे 2-2 करोड़ की गाड़ियां ले रहे हैं, इतनी मेहनत करी है। ये भी भाई देखो मेहनत करी है तभी तो ये सही बात है, करोड़ों की गाड़ियां आ रही हैं। पता है जो आप कह रहे हो ना कि वो फोन से वीडियो बना दी, वो तो व्लॉग्स हो गए, जैसे अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो कंटेंट बनता है ना मेन चैनल का उसमें बहुत मेहनत लगती है। लगती है, आज आपने फील कर लिया ना। कर लिया हालांकि ना मैंने खुद नहीं किया था, मैंने होते हुए शूट देखा है, संजू भाई का, लोकेश भाई का, सबका देखा है, लेकिन मैंने खुद तो तभी महत्व होगा ना जब मैं खुद इन्वॉल्व हूंगा। आज इसमें मैं खुद इन्वॉल्व हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि खुद चाहे कोई और डायलॉग बोले चाहे मैं डायलॉग बोलूं, मुझे खड़ा ही यही मेहनत है गाइस, और इसी मेहनत की वजह से भाई सही बात है हम करोड़ों की गाड़ियां ले रहे हैं आज। ये बात सही बोली, सही बोली मामा जी, कई बार पते की बात बोल देते हैं, मामा जी कई बार पते की बात बोल देते हैं। गाइस अभी खाना खा के फिर दिखाऊंगा आपको फ्यूजन कार का टोटल कार कलेक्शन कितना है, मेरे हिसाब से भाई 25-30 करोड़ का तो होगा, पर एग्जैक्ट क्या है वो पता लगेगा एक बार खाना खा लेते हैं। गाइस कैलकुलेटर ले लिया है और अभी टोटल कार कलेक्शन देखते हैं फ्यूजन कार की। ये भाई गाड़ी का नाम और गाड़ी का नाम बताओ। C300 कैबरलेट पहली वाली, सेकंड वाली है GT 58 लाख। 58 लाख 6 सीरीज GT 6 सीरीज के। ये है ऑडी A4 28 लाख। 28 लाख। ये है फोर्ड एंडेवर 39 लाख। ओके। ये है 22 मॉडल विलार 93 लाख। तो प्लस 93, अरे कैलकुलेशन गिर गई, अभी तो नोट शुरू है भाई, करोड़ों की बातचीत आ गई ना। अभी तक गाइस सही कह रहे हो, मैं 286 हो गया है ना, 286 अभी तक हो चुकी है, 2,86,00,000 की गाड़ियाँ। नेक्स्ट है हमारी ये वाली, ये है GLE AMG 86 लाख प्लस किया कार्निवल 35 लाख। 4 करोड़ की गाड़ियाँ हो चुकी है गाइस। ये है मुस्टैंग 74 लाख, और ये अभी सिर्फ बाहर खड़ी है, 6 गाड़ियाँ सिर्फ बाहर भाई, ये गाड़ियाँ खड़ी है बाहर, 4,81,00,000 की गाड़िया जिसपे धूल मिट्टी पड़ रही है, 4 करोड़ रुपए धूल में। अभी चलते हैं अंदर देखते हैं कितनी गाड़िया है। ये है BMW Z4 90 लाख। यस, ओ माय गॉड। ये है Porsche Boxster 98 लाख। ओ ये है डिफरेंट, पता क्या हो गई 666 6,66,00,000। ये है डिफेंडर 130 1,29,00,000। 7,95,00,000। ये है Porsche GTS रेड कलर 65 लाख। 8,60,00,000 की गाड़ी हो चुकी है अभी तक। पप्पू मामा हमारे जा रहे हैं शूट निपटा के वापिस, बाय बाय मामा जी, बाय बाय। ओके डिलीवरी पे आना, अब गाड़ी की डिलीवरी पे सीधा, परसों ही तो है 13 सितंबर 4 बजे एडवेंचर आइलैंड रोहिणी दिल्ली, पार्टी तो कल रात करेंगे ना। हाँ ओके बाय बाय सी यू। ये है ऑल न्यू डिस्कवरी
68 लाख। चलो जी, ये है 2023 मॉडल X5 1 करोड़। भाई साहब 10 करोड़ की गाड़ियां हो गई है। ये है पोर्शे पैनामेरा 1 करोड़ 51 लाख। ओ, ये है मिनी विला रेंज रोवर इवॉक न्यू शेप 71 लाख। ये है डिस्कवरी पेट्रोल 2019 49 लाख। ये है वॉल्वो S60 2022 मॉडल 42 लाख। आओ जी, 13 करोड़ की गाड़ी हो गई अभी तक। ये है 2022 मॉडल एम स्पोर्ट 330 लिमोजिन 58 लाख। ये है ऑडी A4 22 मॉडल 42 लाख। अब बारी दूसरे फ्लोर। रुक जाओ, अभी ऊपर और भी गाड़ी है क्या? हाँ, अभी तो एक फ्लोर है, अभी तो अगला फ्लोर भी है। अराउंड 4 करोड़ की गाड़ियां बाहर खड़ी थी। हाँ। 10 करोड़ की गाड़ियां अंदर खड़ी है, तो टोटल 14 करोड़ 41 लाख। 14 करोड़ 41 लाख की गाड़ियां हो गई बाहर और यहाँ की मिला के। अभी ऊपर और भी गाड़ियां है। मैं कह रहा हूँ सारा राज एक ही में खोल देना है भाई। बिल्कुल भाई, मैंने बोला था फ्यूजन कार के शोरूम पे जितनी गाड़ियां खड़ी होंगी सबका टोटल दिखाएंगे। क्या है तब भी आपको आधी दिख रही है? कैसे? इतनी ही गाड़ियां हमारी पार्किंग में अलग खड़ी हैं। वो हमने 60 कार्स है हमारे पास पर मंथ, 60-70 कार्स पर मंथ होती है। वो तो मान लिया आपकी, हम शोरूम दिखा रहे हैं, हम शोरूम दिखा रहे हैं। पार्किंग पार्किंग फिर बाद में बताएंगे ना आपको, प्रूफ दिखाएंगे, शोरूम का ही प्रूफ दिखाएंगे। आओ चीनू फॉलो। ये है लिफ्ट, ये है लिफ्ट में भी पैसा लगाया हमने। नहीं, हमने अभी गाड़ी को गिनवाना है। ये है 18,50,000। नहीं भाई, हमने ये नहीं जोड़ा है कभी, आप सोचो देख लो। वो ये 14 करोड़ 41 लाख। तो भाई हम फ्लोर पे आ गए हैं। सेकंड है, थर्ड है? ये सेकंड फ्लोर। थर्ड भी है इसमें? नहीं, सेकंड और ग्राउंड फर्स्ट पे हमारी सेकंड, तीन फ्लोर है हमारे पास। आप लोगों को एक अमीरियत का वो दिखाऊं, अमीरियत का नमूना, ये देखो। ओ BMW पे देखो, मर्सिडीज, सॉरी मर्सिडीज पे देखो गाइस, ये क्या चीनू अमन भाई, एक बात बताओ मुझे, ये पैसा रन्ना पैसा है क्या घर में? नहीं नहीं, फालतू पैसा है क्या? आपको मिट्टी देख के लग रहा है भाई? ये देखना, ये धूल खा रही है। ये देखो पूरी मॉडिफिकेशन चल रही है, वो लेबर लगी। अरे तो भाई इस पे कपड़ा डाल दो यार। ये बात आपने सही कही, ये हमारे स्टाफ की गलती है, क्योंकि अंदर कोई काम होना नहीं था, ये बाय मिस्टेक लगता है आ गई। चलो बताओ कितने की है? ये है सी क्लास 43 लाख 2020 मॉडल। चलो, ये है BMW 3 सीरीज, BMW 5 सीरीज। 5 है? यस। ओ, एम स्पोर्ट 5 सीरीज 530 आई, एम स्पोर्ट 530 आई। ये है 53 लाख रुपए की। ठीक है भाई, 3 लाख रुपीज। ठीक है भाई, ये है 2022 मॉडल 46 लाख रुपीज की हाइब्रिड कैमरी। 46? यस। Oh my God! ये है, दोबारा पीछे जाना पड़ेगा। ये है 3 सीरीज पेट्रोल की 52 लाख रुपए की लेटेस्ट शेप। ये है अगेन 5 सीरीज 44 लाख की, जो पहली 5 सीरीज थी वो 54 की थी, बिकॉज वो एम स्पोर्ट्स है, ये नॉर्मल है, ये 44 की, ये भी 19 मॉडल है। ओके। ये है मिनी कूपर क्लब मैन, इसकी कीमत है 33 लाख रुपीज। अरे ये तो थोड़ी बजटेड है गाइस। हाँ, ये तो देख सकते हो, ये 33 लाख में तो बजटेड गाड़ी है मिनी कूपर यार। इसको 2017 पेट्रोल की क्लब मैन, मतलब जिसको पसंद है बहुत ज्यादा, तो दीदी आगे ले लेगी। हाँ, क्या दिक्कत है भाई? लेगी बिल्कुल। दीदी भी तो किसकी है, रचित की। ये है पिलर के उस साइड एंडेवर 2019 मॉडल 18,000 चली हुई, कीमत 39 लाख। दैट इज X3 22 मॉडल 69,75,000, यानी 70 लाख रुपए। 69 ना लगाए, 69 मैंने बाकियों में 50-50 कम ही बोले हैं। अच्छा, ये 39,50 की है, लेकिन मैंने 39 ही बोले हैं। चलो, हमने इसके 50,000 कम कर दिए, 69 लगा दिया। 69 लगा। ये है ऑडी Q3, इसकी कीमत है 21 लाख रुपए। इतनी सस्ती कैसे? ये डीजल की 2017 मॉडल है इसीलिए। और ये है X1 2019 मॉडल, इसकी कीमत है, ये कौन, अरे सॉरी, ये है X5, इसकी कीमत है 84 लाख रुपए, 0005 नंबर के साथ 84 लाख। हाँ, ये है X1
2022 मॉडल, इसकी कीमत है 42 लाख रुपीज। तो हमारी टोटल गाड़ी हो गई अब, ठीक है। हमारे शोरूम में अभी इस टाइम पता है कितनी गाड़ियां खड़ी है, मतलब कितने की गाड़ियां खड़ी है, 19,67,00,000 ये गाड़ियां खड़ी है। लेकिन अगर आप आएंगे आपको इससे डबल माल दिखेगा, कुछ माल पार्किंग में भी खड़ा है। अच्छा, जो मेरी वाली गाड़ी है वो कितने की है? ओह नो, नहीं 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 नहीं, ये सीन कट कर दिया जाएगा। ये तो 13 तारीख को दिख जाएगा, वो नहीं बताना गाइस, वो 13 तारीख को दिखेगा। पर्दा जब उठेगा तो दिखेगा कि कितना माल खर्चा है रचित ने। पर्दा हटेगा, बम फटेगा, माल दिखेगा, ये तो तभी मजा आएगा। तो गाइस, फ्यूजन कार में 19 करोड़ से भी ज्यादा की गाड़ियां इस वक्त खड़ी हुई है, और भाई बता रहे हैं पार्किंग में और मॉल वगैरह में तो इन्होंने और खड़ी कर रखी है। जितना भी स्टॉक आपको दिखा है इससे डबल स्टॉक दिखेगा जब आप, मतलब मोटा मोटा मान सकते हैं कि उनको भी मिला ले तो 40 करोड़ के आसपास की गाड़ियां है, तभी काम बन सकता है। मैं भाई को बेस्ट फ्रेंड बना रहा हूँ आपसे भाई, बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, ये दोस्ती मैं कभी नहीं तोड़ूंगा आपसे, पक्का वाली। नहीं, आप लोग आओ, गाड़ी देखो, डिस्काउंट भी मिलेगा, रचित की वीडियो दिखा के लाना। हाँ, कि ये देखो मैंने ये दिखाया, मुझे पूरा दिखाना पहले, बाद में आके बम मत फोड़ना कि मैं रचित की वीडियो देख के आया हूँ आपके पास, तो प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको डिस्काउंट भी दूंगा। देख लो भाई, मेरा नाम लेके आओगे ना गौरव भैया को, बोलोगे कि भाई हम रचित की वीडियो देख के आए, रचित के फैन है, रचित के सब्सक्राइबर है, तो ये आपको डिस्काउंट देंगे स्पेशल, प्रॉमिस, ये प्रॉमिस है हमारी। ये डायलॉग भी डलवाया मैंने अपनी वीडियो में। हाँ। ये प्रॉमिस नहीं है, जुबान है फ्यूजन कार वालों की। तो गाइस, शूट खत्म कर लिया है, फ्यूजन कार की टोटल कार कलेक्शन दिखा दी जो शोरूम में खड़ी है। अभी भाई चलने का वक्त हो गया, अभी निकलते हैं ना, बाय बाय बाय, अभी डिलीवरी पे मिलते हैं सीधा गाड़ी की। 13 तारीख एडवेंचर आइलैंड, शाम 4 बजे बहुत बड़ा सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है, सबने आना। मैंने ना ऑडियंस को भी बता दिया कि उनको ऐसा ना लगे कि हम आके वहां पे बोर होएंगे, तो नहीं सारा बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा चीन मच रही है। दोबारा करना, कोई बोल नहीं, सारा प्रोग्राम है। मतलब भाई मेन ये है कि पूरा एक कार्निवल सर्कस पूरा अरेंज कर रखा है, तो बहुत मजा आने वाला है, और हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है, गौरव भाई खुद बहुत एक्साइटेड है, वो देखो पागल हो गए सारे हमारी बियर की आवाज सुन के। तो चलो गौरव भाई, मिलते हैं 13 तारीख को, बर्थडे का गिफ्ट लेके आना मेरे लिए, पक्का 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 भाई, किनू भाई बाबू, ये सही है भाई, बर्थडे का गिफ्ट आप लोग भी लाना, मतलब आप केक ले आना बस। नहीं, आप लोग आ जाना केक लेके, हमारे लिए वही बहुत होगा। बर्थडे का गिफ्ट मैं अभी इसको चेन डाल रहा हूँ, जो कटते ही वापस ले लूंगा। नहीं दूंगा फिर मैं। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपलसरी है कि आप केक लेके आओ भाई, जो केक ला सकता है ना जो, वो आप केक लेके आओ, जो नहीं ला सकता केक वो बिना केक के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास भरपूर केक रहेगा, हम आप लोगों को केक खिलाएंगे। 1000 बंदों की जगह है बैठने के लिए, 1000, कोई भी बंदा खड़ा नहीं रहेगा, सबके लिए प्रॉपर इंतजाम है, सिटिंग से लेके हवा से लेके इंजॉयमेंट का भी सब कुछ है भाई, प्रॉपर प्लानिंग के साथ है सब कुछ। और दूसरी बात ये है, क्या है, मिलते हैं 13 को। यस, अब लंबा नहीं करना भाई, मिलते हैं 13 चलो, अब 13 तारीख फिर आ गई है वो सुनने के लिए। नहीं, वो कमेंट्स आई थी कि पारस भाई ने अपने ने बोला था ना कि हम ऑडियंस के लिए भी कुछ गिफ्ट्स लाएंगे। हाँ, वो वाली बात, दैट्स गिव अवे। देखो जो रॉक ब्लास्ट इवेंट वाला है वो अपनी तरफ से कुछ चाहता है अपनी प्रमोशन के लिए। हाँ। कोई बात नहीं, हमें गिफ्ट दे रहा है ना, आने दो, सबको गिफ्ट मिलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन लिमिटेड। हाँ। जो भी लिमिटेड में कोई आएंगे तो कुछ ना कुछ, जो भी वो अपना चुनाव करेगा देगा। हाँ। सबको गिफ्ट देगा, जो मतलब हमारा जो वो है ना गिव अवे का, हमने ये रखा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट टेक। फर्स्ट कम फर्स्ट टेक। जो जल्दी जल्दी आएंगे, जो पहले आएंगे उनको गिव अवे में पहले पहले सरप्राइजेस मिलते जाएंगे। मिलेंगे। क्योंकि लिमिटेड सरप्राइजेस ही अच्छे लगते हैं, वरना तो फिर भंडारा हो जाता है यार। भंडारा नहीं करेंगे, प्यार भरे सरप्राइजेस देंगे सारे, फर्स्ट कम फर्स्ट टेक, दैट्स द बेस्ट वर्ड जो इन्होंने यूज। तो 4 बजे पहुंच जाना गाइस, इंतजार रहेगा, वहीं मिलूंगा आपको मैं। बाय बाय। और गाइस वापस घर पे आ गए अभी हम लोग, और मैंने कल के व्लॉग में बोला था ना कि इंडिया मैच जीतेगी, और अभी तक भाई इंडिया ही जीत रही है। विराट कोहली ने 100 रन बनाए, केएल राहुल ने 100 रन बनाए, और पाकिस्तान के अभी 100 रन पे 5 विकेट हो चुके हैं, और यहां से मुझे तो लगता नहीं कि पाकिस्तान मैच जीत भी पाएगी। इंडिया ही जीतेगी गाइस मैच, मैंने पहले ही बोला था शर्त लगा लो शर्त, कल का व्लॉग जाके देख लो, कल के व्लॉग में मैंने खुला बोला था शर्त लगा लो इंडिया मैच जीतेगी, और वही हुआ गाइस। तो गाइस इंडिया जीत गई है मैच, बहुत खुशी की बात है भाई, जो बोला था वही हुआ।
बाकी आज मेन चैनल का शूट करा, टोटल कार कलेक्शन दिखाया फ्यूजन कार का, और वापस, और हाँ यार गाइस एक बात और, घर फाइनल कर दिया मैंने, दिखाऊंगा आपको, घर फाइनल कर दिया है, इतने दिन से घूम रहे थे घर ढूंढने के लिए, फाइनल कर दिया घर गाइस। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और आप लोगों को 13 सितंबर को शाम के 4 बजे एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में आना है, सुपर कार की डिलीवरी है, प्लस मीटअप है, प्लस मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन है, तो आप लोग सब इन्वाइटेड हो, सब आओ गाइज, मिलेंगे, सरप्राइजेस आपके लिए भी प्लान कर रखे हैं कुछ, तो आना गाइज, सब आना, ठीक है। चलो कल सुबह 11 बजे मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, ये रहा यूजर नेम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय श्री राम।